हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर को हम C++ में इम्प्लीमेंट करेंगे आज। तो आइए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लियर करेंगे, और जिन लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम होता है उन लोगों को प्रैक्टिकल में कुछ टॉपिक्स इजीली समझ में आ जाएंगी। इसीलिए अगर थ्योरी क्लियर ना हो, कहीं डाउट हो, तो फिक्र ना कीजिए, प्रैक्टिकल में क्लियर होगा। ओके गाइस, लेट्स गो। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड विच इज इन्वोक्ड और कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके गाइस, एंड हम कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर या क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के अंदर तो हम लोग बेसिकली सिंटैक्स देखेंगे तो पता चल जाएगा, और क्लास के बाहर हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे अगले वीडियो में देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए हम लोग सेम क्लास के जैसा ही क्लास नेम जो होता है वही लेते हैं, और उसमें पेरेंथेसिस का यूज कर देते हैं। ओके, पेरेंथेसिस। ओके, और इसी पेरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसके पास रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। ये रहा हमारे पास प्रोटोटाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, या फिर सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, जिसमें क्लास नेम होता है और उसके बाद हम लोग पैरामीटर को शो करते हैं इन अ ब्रैकेट। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी। तो क्लास के अंदर डिक्लेयर करने के लिए हमें जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो होता है क्लास नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर। चाहे तो पास कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने नीड के अनुसार। तो आइए हम लोग इसका एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ओके, इस प्रोग्राम में तो बेसिक आप लोग जानते ही हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। चलिए हम लोग आके देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर किए और क्लास नेम क्या लिए, एम्प्लॉय। क्लास नेम क्या लिए, एम्प्लॉय। ओके, और हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि हम लोगों को जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पेरेंथेसिस का, क्लास नेम के साथ पेरेंथेसिस का। ओके, और डबल डेटा टाइप में हम लोग सैलरी इनपुट करवाएंगे। ओके, या फिर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सैलरी को किस में डिक्लेयर किए हैं, डबल के अंदर। ओके, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी शो करेगा, ये आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रखे हैं, और एम्प्लॉय के साथ क्लास नेम के साथ हम लोग क्या यूज किए हैं, पेरेंथेसिस। क्या यूज किए हैं, पेरेंथेसिस। क्यों यूज किए हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। क्यों यूज किए हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। ओके गाइज, अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, सी आउट का यूज क्यों करते हैं, C++ में क्यों करते हैं, बताइए आप लोग, सी आउट का यूज क्यों करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए। क्यों करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, और सीन का यूज करके हम लोग सीन का यूज क्यों करते हैं, पहले आप लोग बताइए।
सीन का यूज क्यों करते हैं? सीन का यूज हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं। सी प्लस प्लस में सीन का उपयोग हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं, ओके। और हम लोग आईडी इनपुट में ले रहे हैं, ठीक है। यूजर से क्या ले रहे हैं? आईडी। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाएं इंटर द नेम, और सीन की हेल्प से फिर हम लोग ने यूजर से उसका नाम इनपुट में लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटर करवाया सैलरी, और सैलरी आप लोग हम लोग किस में लिए थे? डबल के अंदर, डबल डेटा टाइप में लिए थे, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होंगे तो कोई समस्या हम लोगों को नहीं होगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सीन की मदद से यूजर से क्या ले लिया? सैलरी भी इनपुट ले लिया, और हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डिस्प्ले नाम से। और इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इनपुट्स को प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी इनपुट लिए थे जैसे आईडी, नेम, सैलरी, सबको प्रिंट करवाएंगे, ओके। और ये देखिए हमारा ड्रिवन कोड, इसे तो हम लोग देखे ही नहीं इंट मेन के अंदर। सबसे पहली बात, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है, अपने आप ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तो थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। और हमने ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले का यूज क्यों किया? ऑब्जेक्ट क्या है? ओबीजे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? एम्प्लॉय क्लास का, ओके दोस्तों। और हम लोग ओबीजे डॉट डिस्प्ले का यूज किए तो क्या होगा? हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किए थे उसके अंदर जो भी हमने एलिमेंट प्रिंट करवाया है वो सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी प्रिंट करवाए थे, सबसे पहले क्या प्रिंट करवाए थे? इंटर द आईडी। और वो किस टाइप का? उसका डेटा टाइप क्या था? इंटीजर। क्या डेटा टाइप था उसका? इंटीजर। 101 हमने आईडी दिया। उसके बाद से हम लोगों से ये नाम पूछा, तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही नाम दे दिए हैं, दिव्या रेजोनेंस, ओके। और एक काम हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, यहाँ पे सैलरी छूट गया है, जो कि आप लोग जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो सैलरी डाल के रन करवाइएगा, ज़रूर रन करेगा। यहाँ पे हमने सैलरी नहीं डाला है, इसीलिए सैलरी जीरो दिखा रहा है। बाकी 101 हमारा आईडी था, दिव्य रेजनेंस, वो स्पेस के बाद ये लेता नहीं है। सी प्लस प्लस जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए अलग प्रोसेस है, हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग सैलरी को कोई इनपुट नहीं दिए हैं, इसीलिए सैलरी जीरो ले लिया है, ओके। अब हम लोग क्लास के आउटसाइड क्या डिक्लेयर करेंगे? कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे। कहाँ डिक्लेयर करेंगे? क्लास के बाहर, ओके। और हमने क्या बताया था आप लोगों को? क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अगर आप लोग पास करना चाहते हैं तो चाहे तो पास कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करेंगे, आप पे आपकी मर्जी, ओके। इट्स फुली डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू वांट टू डू,
एंड व्हाट डू यू वांट। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल एक देख लेते हैं। सभी चीज़ों के बारे में इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, आईडी, सैलरी, नेम, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर के बाद हम लोग एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को मतलब कॉल किए हैं। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले को एक यानी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट किए हैं, और बाद में हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसमें इसका जो भी इनपुट आउटपुट है सब प्रिंट करवा रहे हैं और ले रहे हैं। ओके, एम्प्लॉय यानी क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद क्या है, क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। क्या है क्लास नेम के बाद? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, यानी कि कोलन टू टाइम्स, उसके बाद से हम लोग एम्प्लॉय लिए हैं और हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं जो पहले दिए थे। सेम इनपुट और सेम आउटपुट हमने दिया है। ओके, सबका नेम भी सेम है। अब चलिए हम लोग सीधा इसका आउटपुट देखेंगे। पूरा प्रोग्राम हम आपको दिखा देते हैं और देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया है। वॉइड डिस्प्ले के अंदर हमने वैल्यू प्रिंट करवाया है, और ड्रिवन कोड यानी इंटमेंट के अंदर हम लोगों ने सेम पहले जैसा एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय क्लास नेम है, और ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, और ओबीजे डॉट डिस्प्ले यानी कि ओबीजे डॉट फंक्शन नेम के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। इससे पहले हम क्षमा चाहते हैं, हमारे पास सिस्टम ना होने के कारण हम आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो जो भी दे पा रहे हैं। तो वाह दोस्तों, ये रहा हमारे सामने हमारा प्रोग्राम का आउटपुट, जहाँ पे हमने आईडी लिया है, नेम लिया है और सैलरी लिया है, और तीनों को प्रिंट करा दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।